Hey guys and welcome back to my channel My Decor My Ideas with Barnali. अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल. सो आज का जो वीडियो है वो मैं अपने रेस्टोरेंट के ऊपर रिलेटेड लेके आ रही हूँ. सो मैंने ऑलरेडी अपने पहली वीडियो में बता दिया था कि मैं आसाम की गुवाहाटी सिटी से बिलोंग करती हूँ और फिलहाल मैं अपने हस्बैंड के साथ एक 2 BHK होम एक रेंटेड होम में रह रही हूँ. जैसे कि 2 BHK होम है सो एक तो हम लोग का मास्टर बेडरूम है और जो दूसरा रूम है वो हम लोगों के लिए एक गेस्ट रूम. एट द सेम टाइम हम लोग उसको पूजा मैंने उसको साइड बाई साइड पूजा घर में भी कन्वर्ट किया हुआ है और एट द सेम टाइम वो हम लोग की एक वर्किंग स्पेस भी है. और आज जो वीडियो है वो मैंने अपने एक्चुअली गेस्ट रूम के ऊपर रिलेटेड लेके आ रही हूँ. सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी नीड फॉर अ गेस्ट रूम. सो गेस्ट रूम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट हम लोग को चाहिए. सो मैंने किस छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स के साथ कैसे गेस्ट रूम सो मैंने कैसे छोटे छोटे चीज़ों के साथ अपने गेस्ट रूम को रखा है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड एक्चुअली गेस्ट रूम को हम लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा बहुत चीज़ हम लोगों को रखना चाहिए एंड एट द सेम टाइम जो गेस्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो भी हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा जो दूसरा रूम है वो फ़िलहाल किस तरह से दिखता है. सो ये है मेरा दूसरा रूम तो जिसकी एक तरफ मैंने ऑलरेडी सेपरेट करके पूजा घर बना कर रखा है. यहाँ पे मेरा है छोटा सा पूजा घर तो इसको मैंने इस तरह से गामोसा देके और एक छोटे कर्टिन देके इसको इस तरह से सेपरेट करके करके दिया है पूजा घर को. सो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पंचिंग बैग और फिर यहाँ पे मैंने रखा एक बेड. सो अगर आप लोगों ने मेरे दिवाली होम डेकोर वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि मैंने इस बेड को पहले इसको मैंने अपने लिविंग रूम में रखा था पर मैंने अपना लिविंग रूम को अभी थोड़ा सा मेकओवर किया है. सो मेकओवर के बाद मेरा लिविंग रूम अभी कैसा दिखता है सो उसके ऊपर भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी. सो फिलहाल मैंने इस बेड को यहाँ पर रखा है. फिलहाल हमने बेड को यहाँ पे रखा है जो कि गेस्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा. सो सबसे पहले आते हैं बेड के ऊपर. बेड में ऑलरेडी मैंने एक गोल्डन कलर का बेडशीट बिछा के रखा हुआ है तो मैं ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं करूँगी. सिर्फ इस ब्लैंकेट को मैं इसमें कवर लगा दूँगी. सो ये है वो ब्लैंकेट का कवर. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फ़िलहाल इसी से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन मेरे पास एक ही है. ये मैं कभी कभार गेस्ट सब आते हैं तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ. मैंने ओकेजन मिली है मैं इसको यूज़ करती हूँ इस कवर को ब्लैंकेट कवर को. इसको मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है. सो इसको मैंने 400 या 450 के बीच. सो अभी मैं इंतजाम करूंगी वो नेसेसरी चीजों की जो हम लोगों ने केस को ज़रूरत होती है और किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती इसलिए मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख दूँगी जो गेस्ट को ज़रूरत है. सो सबसे पहले मैं एक बास्केट रखूँगी. इसमें इस तरह के बास्केट मैंने विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा था. ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं. एक्चुअली इसको मैंने 90 कुछ ऑफर प्राइस में इसको 19 रुपीज़ पर मैंने ख़रीदा था. इस तरह की बास्केट जहाँ पर हम लोग कॉम या कुछ आइटम्स रख सकते हैं. एंड सेकेंड नेसेसरी चीज़ है एक मिरर. एक छोटा सा टेम्पररी मिरर है जो जब भी गेस्ट आते हैं तब भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ और जब यूज़ नहीं करते तो हम किसी और चीज़ भी इसको यूज़ करते हैं. सो फिलहाल मैं इसको भी गेस्ट रूम में लगा दूँगी. एंड ऑब्वियसली एक टॉवल की बहुत ज़रूरत होती है गेस्ट को ताकि आपको किसी को पूछना ना पड़े अपने रूम में आके कि टॉवल चाहिए. सो टॉवल की बहुत ज़रूरत है गेस्ट के लिए. एंड एक छोटा सा एक्स्ट्रा डिब्बा था मेरे पास जिसमें मैं थोड़ा सा लोशन या मॉइस्चराइजर क्रीम रख के देती हूँ ताकि गेस्ट को भी फिर किसी से पूछने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती. सो अभी जो मेरे पास जो स्टैंड है उसमें जो फर्स्ट
शेल्फ है, सोफा सेल्फ है, मैं इन सारे चीज़ों को यहाँ पे रख। ये है वो टेबल जहाँ पे हम लोग बैठ के काम करते हैं। फिलहाल इस टेबल में हमने पहले रखा है एक क्लॉक, जो कि गेस्ट के लिए भी बहुत ही नेसेसरी आइटम होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का टेबल लैम्प का इंतज़ाम नहीं किया हुआ है, फिर मैंने एक DIY टेबल लैम्प बनाया है। एक मैसन जार है जिसमें मैंने फेरी लाइट्स लगा डाल दिया है, अब इसको मैं कनेक्ट कर दूँगी यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है, स्पेशली रात को। मैं मेन स्विच भी ऑफ कर दूँ तब भी इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने रखा है एक बॉटल, इसके लिए पानी भी रख सकती हूँ। और इस टेबल को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रखा है ताकि गेस्ट के लिए भी कन्वीनियंट हो, और गेस्ट अगर कुछ खुद का कुछ सामान भी रखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसलिए मैंने इस टेबल को बहुत ही सिंपल तरीके से इसको रखा है। अब आते हैं इस फ्लोर के ऊपर। ये फ्लोर बहुत ही प्लेन है, अब मैं इसको भी थोड़ा सा एक लुक दूँगी। अभी मैं फ्लोर पे बिछा दूँगी इसको, एक्चुअली हम लोग बोलते हैं पाती या ढाई, इसको मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। सो ऑलरेडी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, और इसमें की साइड अभी गेस्ट के लिए परफेक्ट है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो अपने गेस्ट रूम को थोड़ा सा लुक देने के लिए, जो कि गेस्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नेसेसरी होंगे। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने जो ये थोड़ा बहुत जो ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपने गेस्ट के लिए वो नेसेसरी है, या मैं इसमें कुछ और भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। सो के साथ मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।